हेलो दोस्तों, तो चलिए पिछले लेक्चर में हम लोग बात कर चुके हैं कंप्यूटर्स के सामान्य ज्ञान के बारे में। जो भी तथ्य थे, जो भी जानकारी थी, हम लोग देख चुके हैं। अब बात करते हैं GUI मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम का परिचय देखते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम किसी भी कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर का सबसे महत्वपूर्ण और अनिवार्य अंग होता है। इसका कार्य कई प्रकार का होता है। एक और तो यह कंप्यूटर के सभी भागों पर नियंत्रण रखकर उनमें उचित तालमेल बैठाता है तथा उनसे अच्छे से अच्छा कार्य लेता है, तो दूसरी ओर यूजर द्वारा दिए गए आदेशों को समझकर उनका पालन करता है और प्रोग्रामों को चलाता है। ठीक। अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड संस्थान एनसी ने ऑपरेटिंग सिस्टम को इस प्रकार परिभाषित किया है, यह वह सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर प्रोग्रामों को पालन नियंत्रित करता है तथा शेड्यूलिंग डिवाइडिंग इनपुट आउटपुट कंट्रोल अकाउंटिंग संकलन भंडारण प्रबंधन आदि से संबंधित सेवाएं उपलब्ध कराता है। उद्देश्य की बात करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के निम्नलिखित उद्देश्य होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के विशेष लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम के विशेष ऑपरेटिंग सिस्टम सिंपल सेटिंग विंडो एक्सपी में फाइल और डॉक्यूमेंट डायरेक्टरी मैनेजमेंट लिनक्स के बेकार ऑपरेटिंग सिस्टम आपके सिस्टम पर चलने वाले सबसे महत्वपूर्ण प्रोग्राम है। वे यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर के मध्यस्थ का कार्य करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का एक सेट होता है जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम द्वारा कंप्यूटर हार्डवेयर के उपयोग करने के ढंग एवं यूजर्स द्वारा कंप्यूटर को कंट्रोल करने के तरीकों को नियंत्रित करता है। यह कंप्यूटर रिसोर्सेस मेमोरी CPU प्रिंटर डिस्क डाटाबेस अन्य सॉफ्टवेयर का प्रबंधन करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम वे सॉफ्टवेयर जिनकी सहायता से कंप्यूटर कार्य कर सकने की स्थिति में आते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। यह कंप्यूटर हार्डवेयर एवं विभिन्न एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के मध्य संबंध स्थापित करता है। इसके बिना कंप्यूटर अपूर्ण है। इसको कंप्यूटर की आत्मा भी कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को। ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य की बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य निम्नलिखित हैं। यह किसी कंप्यूटर सिस्टम के सभी संसाधनों के प्रबंधन के लिए उत्तरदायी होता है। कंप्यूटर सिस्टम चलाने के लिए दिए गए सभी कमांड्स को यह प्रोसेस करता है। यह कई सारे प्रोग्राम के निष्पादन को नियंत्रित करता है। यह प्रोग्राम एग्जीक्यूशन डाटा मैनेजमेंट प्रोसेस मैनेजमेंट रिसोर्स एप्लीकेशन तथा इनपुट आउटपुट ऑपरेशन से संबंधित कार्य करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर एप्लीकेशन और नियंत्रण के आधार निम्न प्रकार के होते हैं जिनका विवरण निम्न तालिका में दिया गया है। ऑपरेटिंग सिस्टम और उनका विवरण। ठीक है, तो पहला रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका उद्देश्य यूजर को तीव्र रिस्पांस टाइम उपलब्ध कराना है। इसमें यूजर का हस्तक्षेप कम होता है। बसात ही यदि कोई प्रोग्राम निश्चित अवधि में पूर्ण नहीं हो पाता है तो आगे के प्रोग्राम में त्रुटि आ जाएगी, परिणाम रुक जाएगा। उदाहरण है लिनक्स और MTOS आदि। फिर सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके अंतर्गत एक समय में एक ही यूजर प्रभावी रूप से कार्य कर सकता है, जैसे उदाहरण है डॉस विंडो XP। फिर टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम या मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, इस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत कई यूजर्स एक संसाधन को क्रमानुसार एक निश्चित समय अवधि के लिए प्रयोग कर सकते हैं। इस ऑपरेटिंग सिस्टम में मेमोरी प्रबंधन अति आवश्यक होता है। उदाहरण है यूनिक्स और विंडो 2000। फिर बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें एक जैसे कार्य को एक समूह में संकलित कर लेते हैं जैसे बैच कहा जाता है। यूजर के हस्तक्षेप के बिना प्राथमिकता के आधार पर क्रियान्वयन बैच में होता है। फिर मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें एक से अधिक प्रोग्राम या कार्य को CPU द्वारा किए गए निश्चित समय पर एक साथ क्रियान्वित किया जा सकता है। इस निश्चित समय को टाइम स्लाइड
स्लाइस कहते हैं, फिर मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इस सिस्टम में दो या अधिक सीपीयू का प्रयोग किया जाता है, लाइनक्स और यूनिक्स उदाहरण है इसके। मल्टी थ्रेडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, इस ऑपरेटिंग सिस्टम में एक बार में एक से अधिक जॉब्स के एक्जीक्यूशन को सपोर्ट किया जाता है, उदाहरण है विंडो 2000, लाइनक्स आदि। फिर है सिंगल यूजर मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, इस ऑपरेटिंग सिस्टम की सहायता से यूजर एक बार में कई प्रोग्राम रन कर सकता है, उदाहरण है एप्पल का मैकिनटोस, माइक्रोसॉफ्ट विंडो आदि। फिर मल्टी यूजर मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, इस ऑपरेटिंग सिस्टम में कई यूजर कंप्यूटर पर कार्य कर सकते हैं। इस ऑपरेटिंग सिस्टम में न्यू नेटवर्क सिस्टम का प्रयोग किया जाता है, जैसे विंडोज, एनटीपीसी, यूनिक्स आदि। फिर बात करते हैं आगे लोकप्रिय और ऑपरेटिंग सिस्टम। लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम की श्रेणी में मुख्य रूप से दो ही ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइनेक्स और विंडो जी ऑपरेटिंग सिस्टम। लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें, लाइनेक्स एक यूनिक्स आधारित मल्टी प्रोसेसिंग मल्टी टास्किंग मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें मूलतः आईबीएम पीसी के लिए बनाया गया था। फिर लिनक्स अपने आप में एक ऑपरेटिंग सिस्टम, कर्नेल को अपने साथ वितरित होने वाले अनेक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के साथ उपलब्ध होता है। फिर लिनक्स लाइनेक्स एवं अन्य ऑपरेटिंग सिस्टम में सबसे बड़ा अंतर यह है कि अपने सोर्स कोड सहित इंटरनेट पर मुफ्त उपलब्ध है, जिसे डाउनलोड कर कोई भी व्यक्ति उसमें अपनी आवश्यकता अनुसार परिवर्तन कर सकता है। लिनक्स को सर्वप्रथम 5 अक्टूबर 1991 को जारी किया गया था। इसका विकास लाइनक्स टॉरवेल्ड्स ने किया, जब वे हेलसिंकी विश्वविद्यालय के छात्र थे। टॉरवेल्ड्स ने इसकी शुरुआत ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नेल से लिखने से की। कर्नेल लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का केंद्रीय भाग है, जिसे आधार बनाकर संपूर्ण ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित हुआ है। लाइनक्स के तीन भाग हैं, कर्नल, सेल और फाइल सिस्टम। लाइनक्स के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स रीड हैट लिनक्स 7.2 को कंप्यूटर पर इंस्टॉल करने के लिए आवश्यक हार्डवेयर निम्नलिखित हैं। प्रोसेसर X386 या इससे एडवांस होना चाहिए। रैम कम से कम 128 MB होना चाहिए। कंप्यूटर में SIIDE फायर वायर जैसे कंट्रोलर कार्ड्स होने चाहिए। नेटवर्क कार्ड ISA PCI USB इंस्टॉल होना चाहिए। फिर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज 32/64 बिट मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है। 1980 के दशक में जेरोक्स कॉरपोरेशन कंपनी द्वारा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर आधारित जेरोक्स स्टार नामक कंप्यूटर का विकास किया। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को लोकप्रियता एप्पल कंप्यूटर द्वारा विकसित मैकिंटोस कंप्यूटर द्वारा मिली। 1980 के दशक में के उत्तरार्ध में विंडोज सबसे अधिक लोकप्रिय और ऑपरेटिंग सिस्टम बन गया। यह IBM कंपनी द्वारा आधिकारिक रूप से स्वीकृत एवं उपयोग किया गया था। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किए गए सभी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम ग्राफिकल यूजर्स इंटरफेस उपलब्ध कराते हैं। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम से सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम कैरेक्टर यूजर इंटरफेस उपलब्ध कराते थे। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के संस्करण और विशेषताएं देख लेते हैं। संस्करण का नाम, जारी होने की वर्ष और मुख्य विशेषताएं। विंडोज 1.0 1985 में आया। विंडोज 1.0 कब आया? 1985 में GUI आधारित विंडोज का प्रथम संस्करण आवश्यकता पर मल्टीटास्किंग। फिर विंडोज 2.0 1987 में आया, एक विंडो पर दूसरी विंडो। फिर विंडोज 2.1 1988 में आया, आभासी मशीन। विंडोज 3.0 1990 में आया, प्रोग्राम मैनेजर फाइल मैनेजर सुविधा। विंडोज 3.0 1992 में आया,
मल्टीमीडिया क्षमता, नेटवर्क क्षमता, माइक्रोसॉफ्ट मेल। फिर आया विंडोज एनटी 3.0 3.1 1993 में, 32 बिट नेटवर्किंग, 32 बिट फाइल सिस्टम। फिर आया विंडोज 95 1995 में आए, पूर्ण 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टीटास्किंग, नेटवर्क क्षमताएं, लंबे फाइल नाम विस्तारण की सुविधा। फिर आया विंडोज 98 1998 में आया, इंटरनेट पर कार्य करने की विशेष सुविधाएं थी इस पर। फिर आया विंडोज 2000ME 2000 में, नेटवर्क बनाने की विशेष सुविधा थी। विंडोज XP 2001 में आया, नेटवर्क के साथ साथ अन्य विशेष सुविधाएं थी। विंडोज वेस्टा 2006 में आया, ज्यादा सिक्योरिटी और विशेष सुविधाएं थी। विंडोज 7 2009 में आया, नेटवर्किंग और टूल बार मेन्यू बार की सुविधाएं। विंडोज 8 2012 में आया, यूजर के अनुभव के लिए चिपसेट और विशेष सुविधाएं। विंडोज 10 भी आ चुका है। ठीक, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य। विंडोज पर्सनल कंप्यूटर का ध्यान रखता है और बैकग्राउंड में कई कार्य करता है। आपके लिए एप्लीकेशन प्रोग्राम स्टार्ट करने के तरीके प्रदान करता है। आपके फाइल्स मैनेजर करने का एक तरीका प्रदान करता है। आपको इंटरनेट एक्सेस के सेटअप में मदद करता है। विंडोज आउटलुक एक्सप्रेस के साथ आता है जो ईमेल प्रोग्राम है। विंडोज बहुत से उपयोगी एक्सेसरीज प्रोग्राम के साथ आता है। वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम या डेस्कटॉप और मॉनिटर के अन्य स्क्रीन क्षेत्रों का कस्टमाइज करने का तरीका प्रदान करता है। विंडोज की संरचना की बात करें, विंडोज की संरचना जानने के लिए माई कंप्यूटर विंडो पर स्टार्ट मेनू ऑप्शन पर माई कंप्यूटर पर क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही मॉनिटर स्क्रीन पर माई कंप्यूटर विंडो का प्रदर्शन होता है। विंडोज की संरचना को विस्तृत रूप से जानने के लिए निम्नलिखित भागों का अध्ययन आवश्यक है। टाइटल बार, प्रत्येक विंडो का एक टाइटल बार होता है। इस पर विंडो का शीर्षक प्रदर्शित होता है। इस शीर्षक के कई और विंडो से संबंधित आइकन प्रदर्शित होते हैं जिन्हें मेन्यू आइकन कहते हैं। टाइटल में रिस्टोर, मूव, साइज, मिनिमम, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज ऑप्शन का प्रयोग होता है। मेन्यू बार, अधिकांश विंडो में मेन्यू बार होता है। ऐसी विंडो किसी प्रोग्राम की विंडो नहीं है, जैसे माई कंप्यूटर विंडो में मेन्यू बार का प्रदर्शन होता है। मेन्यू बार विभिन्न कमांड्स ग्रुप्स के रूम में दी जाती होती है। प्रत्येक ग्रुप का नाम मेन्यू बार पर मेन्यू के नाम के रूम में प्रदर्शित होता है। इस नाम पर क्लिक करने पर एक ड्राफ लिस्ट प्रदर्शित होती है। फिर टूल बार, विंडो में मेन्यू बार के नीचे अनेक आइकन्स बटन्स रूम में एक पट्टी पर प्रदर्शित होते हैं। बटन्स की यह पट्टी ही टूल बार कहलाती है। विंडो के साथ सामान्यतः व्यवहार में आने वाली कमांड्स टूल बार टूल बटन्स के रूप में प्रदर्शित होती है। पैनल्स, सामान्यतः विंडो XP की विंडो में बाई ओर भाग में कुछ पैनल्स का प्रदर्शन होता है। पैनल का नाम ऊपर की ओर एक पट्टी पर लिखा होता है। यदि टूल बार पर स्थित फोल्डर टूल बटन पर क्लिक कर दिया जाए तो पैनल्स का प्रदर्शन होना बंद हो जाता है। स्क्रॉल बार, एप्लीकेशन विंडो की डॉक्यूमेंट विंडो प्रदर्शित होने वाली सूचनाएं कभी कभी एक पृष्ठ पर प्रदर्शित हो जाती हैं। ऐसी परिस्थिति में पृष्ठ दो दाएं बाएं अथवा ऊपर नीचे विस्थापित करने के लिए विंडो में नीचे की ओर क्षैतिज स्क्रॉल बार तथा दाईं ओर ऊर्ध्वाधर स्क्रॉल बार स्थित होता है। माउस का प्रयोग एवं आइकन्स को स्क्रीन पर मूव करना, माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है तथा यह स्क्रीन पर एक विशेष प्रकार के कर्सर जैसे माउस पॉइंट कहते हैं की लोकेशन को नियंत्रित करता है। आप जैसे जैसे माउस को मूव करते हैं वैसे वैसे स्क्रीन पर माउस पॉइंटर का स्थान परिवर्तित होता है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में माउस का प्रयोग करने के मुख्य रूप से पॉइंटर क्लिकिंग, डबल क्लिकिंग, राइट क्लिकिंग, डैगिंग, डंपिंग है। विंडोज के डेस्कटॉप पर स्थित आइटम्स जो कि आइकन्स के रूप में स्थित होते हैं उन्हें उनके वर्तमान स्थान से विस्थापित करने, किसी अन्य स्थान पर स्थित करने के लिए डैगिंग या डॉपिंग प्रक्रिया अपनाई जाती है। यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम का एक महत्वपूर्ण भाग होता है। यूजर इंटरफेस कंप्यूटर और यूजर के मध्य सेतु का कार्य करता है। यूजर इंटरफेस का प्रयोग प्रोग्राम्स और डिवाइसेज को कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। यूजर इंटरफेस दो प्रकार के होते हैं, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ऐसे प्रोग्राम एवं ऑपरेटिंग सिस्टम जो खास
शब्दों एवं अक्षरों में कमांड स्वीकार करते हैं, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस कहलाते हैं। ऐसा यूजर इंटरफेस जो यूजर को स्क्रीन पर उपस्थित ऑब्जेक्ट पर पॉइंट एवं क्लिक पर कमांड देने की अनुमति देता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कहलाते हैं। फिर है टास्क बार। विंडोज एक्सपी के डेस्कटॉप के नीचे की ओर दी गई पट्टी जिस पर कुछ बटन्स आइकन्स प्रदर्शन होते हैं टास्क बार कहलाते हैं। टास्क बार पर सबसे बाईं ओर एक बटन स्टार्ट होता है। संभवतः टास्क बार का विंडो एक्सपी का अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व है क्योंकि इसका उपयोग प्रोग्राम को लॉन्च करने और चल रहे प्रोग्राम्स के मध्य विचरण करने के लिए किया जाता है। विंडोज एक्सपी एक साथ अनेक कार्य कर सकता है अर्थात यह मल्टी टास्क है। उदाहरण के लिए इसमें सीडी से गाने सुनना, नेटवर्क पर स्थित अन्य कंप्यूटर से किसी फाइल की कॉपी करना, पावर पॉइंट से किसी स्लाइड को प्रिंट करना और किसी वर्ड प्रोसेसिंग में टेक्स्ट को टाइप करना और आदि कार्य एक साथ किए जा सकते हैं। आइकन्स एक ग्राफिक्स ऑब्जेक्ट अर्थात एक पिक्चर होता है जो किसी फाइल फोल्डर शॉर्टकट डिस्क ड्राइव को अथवा विंडोज एलिमेंट को दर्शाता है। आइकन विभिन्न प्रकार के होते हैं, सिस्टम आइकन, एप्लीकेशन आइकन, शॉर्टकट आइकन, डॉक्यूमेंट आइकन। फिर है स्टार्ट मेन्यू। इस टास्क बार के बाईं ओर स्टार्ट बटन होता है। इस बटन पर क्लिक करने पर स्टार मेन्यू का प्रदर्शन होता है। कीबोर्ड पर विंडोज की को दबाने पर भी स्टार मेन्यू का प्रदर्शन होता है। स्टार्ट मेन्यू में सबसे ऊपर उस यूजर का नाम प्रदर्शित होता है जो इस समय विंडोज एक्सपी पर प्रयोग कर रहा है। स्टार्ट मेन्यू हमें कंप्यूटर के सभी भागों को एक्सेस करने की सुविधा प्रदान करता है। स्टार्ट मेन्यू से हम कंप्यूटर में इंस्टॉल किसी प्रोग्राम को चला सकते हैं, डेस्क स्पेस की जांच कर सकते हैं, फाइल्स का व्यवस्थापन कर सकते हैं, वर्तमान अकाउंट्स को लॉक ऑफ और कंप्यूटर को शट डाउन कर सकते हैं। एप्लीकेशन को रन करना विंडोज एक्सपी में किसी एप्लीकेशन को रन करने का सबसे प्रचलित अथवा सरल तरीका है। इस एप्लीकेशन का आइकन पर माउस पॉइंटर को लाकर डबल क्लिक करना है। ऐसा करने पर संबंधित एप्लीकेशन रन होता है और इसकी एप्लीकेशन विंडो का प्रदर्शन मॉनिटर स्क्रीन पर होता है। किसी भी एप्लीकेशन को रन के लिए उसका हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल किया जाना आवश्यक होता है। हमारी कंप्यूटर में इंस्टॉल विभिन्न एप्लीकेशन विंडोज के स्टार्ट मेनू में आल प्रोग्राम के अंतर्गत विभिन्न फोल्डर्स में स्थित होता है जिसमें से वांछित एप्लीकेशन के आइकन पर माउस पॉइंटर को लाकर डबल क्लिक करके उसे रन किया जा सकता है। ऑपरेटिंग सिस्टम सिंपल सिस्टम। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए विभिन्न निर्धारणों को करने के कंट्रोल पैनल का प्रयोग करते हैं। कुछ निर्धारण केवल कंट्रोल पैनल के माध्यम से होते हैं परंतु कुछ निर्धारण को कंट्रोल पैनल के बाहर से भी किया जाता है। विंडोज के पहले संस्करणों की भांति विंडोज एक्सपी में भी कंट्रोल पैनल दिया गया था। ये विभिन्न आइकन्स का ऐसा समूह है जिसका चुनाव करने में हमें ऐसी एप्लीकेशन उपलब्ध होते हैं जिसमें विंडोज एक्सपी की सेटिंग में वांछित परिवर्तन करना संभव होता है। फिर सिस्टम डेट और टाइम बदलना। विंडोज की टास्क बार पर दाईं ओर नोटिफिकेशन एरिया में वर्तमान समय का प्रदर्शन होता है। कंट्रोल पैनल विंडो की डेट, टाइम, लैंग्वेज एंड रीजनल सेटिंग श्रेणी को चुनने पर प्रदर्शन होने वाली डेट, टाइम, लैंग्वेज एंड रीजनल सेटिंग विंडो के दाएं भाग में पिक ए टास्क के अंतर्गत दिए गए ऑप्शन चेंज द डेट एंड टाइम एंड पिक ए कंट्रोल पैनल आइकन के अंतर्गत दिए गए आइकन्स डेट एंड टाइम का प्रयोग कंप्यूटर की तिथि तथा समय का निर्धारण करने के लिए किया जाता है। विंडोज की टास्क बार पर बाईं ओर पर दाईं ओर नोटिफिकेशन एरिया पर प्रदर्शित होने वाले समय वर्तमान समय पर माउस पॉइंटर लाकर राइट क्लिक करने पर प्रदर्शित होने वाले शॉर्टकट मेन्यू के एडजस्ट डेट टाइम ऑप्शन का प्रयोग करके भी कंप्यूटर की तिथि तथा समय का निर्धारण किया जा सकता है। डिस्प्ले प्रॉपर्टी बदलना। विंडोज की एक्सपी के कंट्रोल पैनल में एप्रियंस एंड थीम श्रेणी को चुनने पर प्रदर्शन होने वाले एप्रियंस एंड थीम विंडो में प्रदर्शन होने वाली आइकन ऑप्शन डिस्प्ले का प्रयोग डिस्प्ले प्रॉपर्टीज अर्थात विभिन्न आइकन्स का आकार, विंडोज का आकार, डेस्कटॉप की बैकग्राउंड का रंग, ग्राफिक्स आदि का निर्धारण करने के लिए किया जाता है। विंडोज डेस्कटॉप पर किसी भी रिक्त स्थान अथवा आइकन्स के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर माउस पॉइंटर लाकर माउस का दायां बटन दबाने अर्थात राइट क्लिक करने पर प्रदर्शित होने वाले शॉर्टकट मेनू के अंतिम ऑप्शन प्रॉपर्टीज
को सिलेक्ट करने करके भी किया जा सकता है। फिर है विंडोज, विंडोज कंपोनेंट को ऐड और रिमूव करना, कंप्यूटर में नए प्रोग्राम इंस्टॉल करने अथवा अनुपयोग को इंस्टॉल इंस्टॉल प्रोग्राम को कंप्यूटर से हटाने के लिए कंट्रोल पैनल में ऐड और रिमूव प्रोग्राम श्रेणी का उपयोग करते हैं। इस श्रेणी को सिलेक्ट करने पर मॉनिटर स्क्रीन में ऐड और रिमूव प्रोग्राम विंडो का प्रदर्शन होते हैं। इस विंडो में हमारी कंप्यूटर में इंस्टॉल प्रोग्राम की सूची प्रदर्शित होती है। हमें जिस प्रोग्राम को रिमूव अथवा चेंज करना है उस पर क्लिक करके उसमें प्रदर्शित होने वाले कमांड पर रिमूव अथवा चेंज पर क्लिक करते हैं। माउस की प्रॉपर्टीज को बदलना, माउस प्रॉपर्टीज को बदलने के लिए कंट्रोल पैनल विंडो को प्रिंटर एंड अदर हार्डवेयर श्रेणी को सिलेक्ट करने पर मॉनिटर स्क्रीन पर प्रिंटर एंड अदर हार्डवेयर विंडो को प्रदर्शित होता है। इस पर प्रदर्शन में विकल्प टास्क और आइकन्स के रूप में दिए जाते हैं। इसके दाएं भाग में पिक एक कंट्रोल पैनल आइकन के अंतर्गत दिए गए आइकन माउस का उपयोग कंप्यूटर से संबंधित माउस संबंधी निर्धारण करने के लिए किया जाता है। इस आइकन पर क्लिक करने से मॉनिटर स्क्रीन पर माउस प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित होता है। इस डायलॉग बॉक्स में 5 टैब्स होते हैं, बटन, पॉइंटर, पॉइंटर, पॉइंटर्स, पॉइंटर्स, पॉइंटर, ऑप्शंस, व्हील, हार्डवेयर। फिर है पेंटर को ऐड या रिमूव करना, पेंटर को ऐड या रिमूव करने के लिए कंट्रोल पैनल विंडो की पेंटर एंड हार्डवेयर अदर हार्डवेयर की श्रेणी को सिलेक्ट करने पर प्रदर्शित होने वाली प्रिंटर एंड अदर हार्डवेयर विंडो के दाएं भाग में पिक एक कंट्रोल पैनल आइकन के अंतर्गत दिए गए आइकन प्रिंटर्स एंड फैक्सेस का उपयोग किया जाता है। इस आइकन पर क्लिक करने से मॉनिटर स्क्रीन पर प्रिंटर्स एंड फैक्स विंडो प्रदर्शित होती है। विंडो के स्टार्ट मेनू प्रिंटर्स एंड फैक्सल ऑप्शन पर क्लिक करने पर भी उपयुक्त विंडोज का प्रदर्शन मॉनिटर स्क्रीन पर होता है। इस विंडो के दाएं भाग में हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल किए गए प्रिंटर्स और फिक्स प्रिंटर्स के बारे में जानकारी प्रदर्शित होती है। फिर फाइल एवं डायरेक्टरी मैनेजमेंट, विंडोज एक्सपी में डायरेक्टरी मैनेजमेंट एवं माध्यम से फाइल एवं फोल्डर्स को व्यवस्थित ढंग से रखा जाता है। इसके अतिरिक्त इसके माध्यम से निम्न कार्यों को किया जाता है, फाइलों की प्रॉपर्टीज को दिखाना, उसमें जरूरत पड़ने पर संशोधन करना, प्रोग्राम्स को निष्पादित करना, कंप्यूटर की डिस्क पर विद्यमान फाइलों या फोल्डर्स की संरचना देखना, उनमें परिवर्तन करना, फाइलों एवं फोल्डर्स को प्रतिस्थापित करना, उनका नाम बदलना, कॉपी करना, नए फाइल व फोल्डर बनाना, उन्हें डिलीट करना। फाइलों के प्रकार, फाइलों में डाटा को स्थायी रूप से लंबे समय के लिए स्टोर करने हेतु फाइल का उपयोग किया जाता है। फाइलों की सूचनाएं जैसे टेक्स्ट, इमेज, वीडियो आदि को अनेक प्रकार की फॉर्मेट में स्टोर करते हैं। उपयोग के आधार पर फाइलों के निम्न प्रकार विभाजित करते हैं। साधारण फाइल, इस प्रकार की फाइल वे होती हैं जिन्हें यूजर द्वारा एप्लीकेशन में क्रिएट किया जाता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्रिएट की गई .doc फाइल। डायरेक्टरी फाइल, डायरेक्टरी फाइल, फाइल्स को किसी विशेष डायरेक्टरी अथवा फोल्डर्स में स्टोर किया जाता है। उदाहरण के लिए सॉन्ग नाम के फोल्डर में ऐसी फाइल्स होनी चाहिए जिसमें अनेक गीत स्टोर किए गए। सिस्टम फाइल, इस फाइल्स को यूजर द्वारा क्रिएट नहीं किया जाता है। ये फाइल वे होती हैं जो सिस्टम रन करने के लिए आवश्यक होती है, सामान्यतः ये विंडो फोल्डर में स्थित होती हैं। प्रोग्राम फाइल, सिस्टम में विंडोज के वातावरण में कार्य करने वाले विभिन्न एप्लीकेशन को जब इंस्टॉल किया जाता है तो ये फाइल्स एप्लीकेशन को रन करने के लिए आवश्यक होती हैं, सामान्यतः ये प्रोग्राम फाइल्स फोल्डर में होती हैं। विंडोज एक्सपी की कीबोर्ड शॉर्टकट की बात कर लें तो कंट्रोल प्लस सी कॉपी के लिए, कंट्रोल प्लस एक्स कट के लिए, कंट्रोल प्लस बी पेस्ट के लिए, कंट्रोल प्लस जेड अंडो के लिए, कंट्रोल प्लस एस सेव के लिए, कंट्रोल प्लस ओ ओपन के लिए, कंट्रोल प्लस ए सेलेक्ट ऑल के लिए, कंट्रोल प्लस एन ओपन न्यू विंडो के लिए, कंट्रोल प्लस ई एस सी ओपन स्टार्ट मेनू के लिए, कंट्रोल प्लस टैब एएलटी प्लस टैब मूव टू नेक्स्ट ओपन विंडो के लिए, एएलटी प्लस फ्रंट स्क्रीन कैप्चर इमेज ऑफ एक्टिव विंडो फॉर फास्टिंग। ठीक है, याद रखी। फिर एएलटी F4 क्लोज एक्टिव विंडो, F2 रीनेम के लिए, F3 फैंड के लिए, एएलटी इंटर
प्रॉपर्टीज के लिए एलटी डबल क्लिक, प्रॉपर्टीज के लिए कंट्रोल प्लस किसी फाइल या फोल्डर को ड्रैग करना, फाइल को कॉपी करना, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस किसी फाइल या फोल्डर को किसी फोल्डर या डेस्कटॉप पर ड्रैग करना, एक शॉर्टकट क्रिएट बनाना, कंट्रोल प्लस ई एस सी टैब शिफ्ट प्लस 10 F10 टास्क बार की प्रॉपर्टीज को ओपन करना, शिफ्ट प्लस डिलीट डिलीट इमीडिएटली विथआउट पुटिंग द फाइल इन रिसाइकल बिन, कंट्रोल प्लस राइट क्लिक, यह कॉन्टेक्स्ट मेनू अल्टरनेटिव ऑप्शन को प्रदर्शित करता है, बिन की शॉर्टकट की, बिन स्पेस बार के साथ एएलटी की बात होती है, बिन ओपन स्टार्ट मेनू, बिन प्लस एम मिनिमाइज ऑल विंडो, बिन प्लस F1 हेल्प, बिन प्लस ई ओपन विंडो एक्सप्लोरर, फिर बिन प्लस शिफ्ट प्लस एम मैक्सिमाइज ऑल विंडो, फिर बिन प्लस टैब साइकिल थ्रो एप्लीकेशन और ट्रांसफर, बिन एप फाइंड फाइल, बिन डी शो डिस्प्ले। अब आपको बता दें ये सभी देख लेना आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लो या टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा देंगे ये सभी टेप। विंडोज एक्सप्लोरर से संबंधित की ये हो गए पूरे, F1 F4 F6 रिफ्रेज है, कंट्रोल प्लस जेल अंडू, कंट्रोल प्लस से सिलेक्ट, ठीक है, तो ले स्क्रीनशॉट ले सकती हो अगर यहाँ से लेना। फिर साधारण कीबोर्ड ओनली कमांड्स, F1 हेल्प, F10 मेनू मोड में जाने के लिए, इस तरह ये भी ले लो, ठीक है, शिफ्ट M कॉन्टेक्स्ट मेन्यू में जाने के लिए, एक्सेसिबिलिटी शॉर्टकट की हो गई ये, ठीक है पूरे, MS नेचुरल की हो गई, ठीक है। चलिए तो ये था हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित जो परिचय था, ये जो तथ्य थे उन्हें देख लिया। अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे वर्ड प्रोसेसिंग के बारे में, वर्ड जो होते हैं प्रोसेस उन्हीं के बारे में, ठीक।